नमस्कार, मैं हूं नव्या। आइए जानते हैं क्या नया हो रहा है बिग बॉस 16 में। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 16 अपने ग्रैंड फिनाले की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में घर में कंटेस्टेंट एक के बीच आगे बढ़ने की होड़ मची हुई है। बिग बॉस में दोस्ती की कस्में खाने वाले सेलेब्स इन दिनों एक दूसरे का गला काटने को तैयार है। शो से हाल ही में सौंदर्य शर्मा का एलिमिनेशन हुआ है। एक्ट्रेस को शो से उस वक्त बाहर जाना पड़ा जब फिनाले को सिर्फ 20 दिन बाकी है। बिग बॉस 16 से बाहर आते ही सौंदर्य शर्मा ने घर वाले से कई काले चिट्ठे खोले। उन्होंने मंडली की दोस्ती का सच भी बताया और गौतम वेद संग अपने रिश्ते पर बात भी की। सौंदर्य ने एक इंटरव्यू में कहा कि घर में 16 लोगों के लिए खाना बनाने से लेकर टास्क में अच्छा परफॉर्म करने तक उन्होंने हर एक चीज की। एक्ट्रेस ने कहा कि 16 लोगों के लिए खाना बनाना आसान नहीं होता, लोग जॉइंट फैमिली में भी नहीं करते, लेकिन मैंने पूरी शिद्दत से किया। बिग बॉस में खुद को कमजोर कंटेस्टेंट बताए जाने पर सौंदर्य ने कहा, आप घर की दीवारों पर अपना सिर नहीं मार सकते हैं, हर किसी को सपोर्ट की जरूरत होती है, जो ठीक भी है। सभी कंटेस्टेंट ने किसी न किसी के साथ अपना रिश्ता बनाया, जो बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल सिर्फ मुझ पर उठे जब मैंने गौतम विग और अर्चना गौतम को सपोर्ट किया। मंडली की बात करते हुए सौंदर्य ने कहा, शिव ठाकरे ने अपने पास निमृत कौर आहलूवालिया और एमसी स्टैन जैसे खिलाड़ियों को रखा ताकि वो खुद को ताकतवर दिखा सके। निमृत संग उनके रिश्ते पर कॉमेंट करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि ये कैसी दोस्ती है शिव की, जो टिकट टू फिनाले में इसका नाम नहीं लेता। ऐसे में आपको क्या लगता है कि टॉप 3 कंटेस्टेंट कौन होंगे, ये जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।